गाइस फिलहाल मैं अभी दिल्ली पहुंच चुका हूं, तो कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो गाइस मुझे अभी जैसे कि मेडिसिन वगैरह लेनी है, और देखो भाई सामने ही राजधानी खड़ी है, मुंबई राजधानी। तो भाई चलो मेडिसिन वगैरह लेते हैं। और मैंने पहली वाली वीडियो में आपको बताई दिया था कि अब दिल्ली से मुझे दरभंगा जाना है भैया लोग के साथ में, तो भैया लोग के साथ में चलकर, तो चलो भैया लोग दरभंगा जाएंगे, फिर उसके बाद में मैं कोलकाता भी जाऊंगा, अगर सिचुएशन को देख के मैं कोलकाता वगैरह जाऊंगा। तो चलो अभी जल्दी से मैं मेडिसिन वगैरह ले लेता हूं, मुझे खाली पेट वाली मेडिसिन वगैरह लेनी थी, तो मैं बिल्कुल भी नहीं लिया हूँ अभी तक। चलो मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं। फिलहाल गाइस मैं अभी मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ, ये बैग वगैरह सब कुछ ले लिया भाई, तो अभी मैं मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ। और मेट्रो की तरफ जाने के बाद में तुगलकाबाद या बदरपुर की देखते हैं कौन सी लेंगे, तो चलो जाकर अभी टिकट वगैरह ले लेंगे। यहाँ की जो वेदर है भाई, वेदर बहुत एक्सपेंसिव है भाई, क्योंकि भाई मैं आते ही ना भाई ठंड लगने लगी मुझे। बाकी वहाँ तो गर्मी वगैरह अपने राजस्थान में, बाकी यहाँ भाई ठंड लगने लगी मुझे, तो अभी रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं। बाकी मैं स्वेटर वगैरह भी नहीं लेके आया, बस मैं चादर ले आया था, बाकी चादर वगैरह ओढ़ लेंगे चलो ट्रेन के अंदर, तो ओढ़ लेंगे। बाकी दरभंगा की जब ट्रैवल करेंगे तो उसके अंदर तो चादर ओढ़ ही लेंगे भाई, तो चादर लाने का फायदा हो गया। मुझे पता था भाई सर्दी होगी, उधर से आएंगे तो सर्दी तो होगी क्योंकि अगले महीने आएंगे, तो भाई बढ़िया हो गया, मैं चादर लाने का फायदा हो गया भाई। फिर भी मुझे अभी ठंड लग रही, और वेदर देखो पूरा बारिश का वर्क है, और सर्दी इसीलिए होगी क्योंकि कल भाई बारिश हुई थी, तो इसीलिए सर्दी हो गई है। नहीं मेट्रो में अभी जा रहा हूँ मैं, कौन सा बदरपुर का लेना है, तुगलकाबाद का लेना है नीचे, ठीक है भैया। और मास्क जरूरी है क्या मेट्रो में? नहीं है भैया, से मैंने पूछ लिया, तो मेट्रो में अपने मास्क ना लगाकर अपने जा सकते हैं। तो एंटर कर चुके हैं भैया, आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा ही होगा इस वाले एरिया को, तो भाई फिर से अंदर ठंड लग रही है क्योंकि अंदर तो भाई एसी चली हुई है, बाहर और ज़्यादा ठंडा मौसम हुआ पड़ा है इसलिए भाई ठंड लग रही है। तो चलो बाकी आप यहाँ पे खा वगैरह भी सकते हो कुछ लेना हो तो, बाकी मैं फिलहाल अभी नहीं ले रहा हूँ, बस जल्दी से चलते हैं घर की तरफ, बहुत थका हुआ हूँ भाई। गाइस फिलहाल अभी चेकिंग वगैरह होगी, तो मैं अभी कैमरे को ऑफ करता हूँ और अंदर जाकर मैं ऑन करता हूँ कैमरे को, बाकी सिक्योरिटी वगैरह चेक करवा के मैं आपसे बाद में मिलूँ। तो गाइस अभी फिलहाल मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के मेट्रो स्टेशन पे हूँ, और अभी मुझे जाना है यहाँ से सेंटर सेक्रेटरियस, ये देखिए यहाँ से फिर मुझे चेंज करनी है मेट्रो। फुल हो जाएगी। फिलहाल अभी केंद्रीय सचिवाल पे पहुंच गए हैं, और अभी मुझे वॉयलेट लाइन लेके तुगलकाबाद जाना है, तो अभी 3 नंबर प्लेटफॉर्म से मुझे मिलेगी, तो चलो 3 नंबर प्लेटफॉर्म ये रहा, चलो नीचे नीचे आई हुई है भाई, बंद ना हो जाए बंद ना हो जाए। बहुत अच्छा हो रखा है यार, मुझे तो मौसम बढ़िया लगा बस। चलो भैया को फ़ोन कर दिया है, अभी कह रहे हैं मैं भैया को फ़ोन, तो भैया आ रहे हैं अभी, तो चलो फिर मिलाते हैं आपको भैया से। सो गाइस जस्ट अभी नाश्ता वगैरह करके मस्त खा के आ चुके हैं, और भैया हमारे साथ में लड्डू, भैया कैसे हुए आप? ठीक हूँ मैं, हमने सबने साथ में नाश्ता किया है, अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे शाम को ट्रेन पकड़ने के लिए, फिर हम लोग सीधा अपने गांव जाएंगे और भाई के साथ एंजॉय करेंगे। और भाई ये देखो इधर रेलवे भी है, साथ में ट्रेन वगैरह की सीन देखो,
बहुत अच्छा लुक आ रहा है भाई, इतने बढ़िया बढ़िया सीन दिखते हैं ना, सच में मजा आ जाता है देखकर। और आज मौसम भी इतना खतरनाक हुआ पड़े। आज जुम्मा भी है तो जुम्मा भी पढ़ने जाएंगे, तो बस थोड़ी देर में भी नहाने जाएंगे, फिर उसके बाद में जुम्मा पढ़ने जाएंगे तो चलेंगे। और साथ में हाँ हलवा पराठा होता भाई, इतना बेस्ट होता ना, बहुत फेमस है हलवा पराठा। हम लोग हर फ्राइडे खाते हैं, हर जुम्मे के दिन मिलता है यहाँ पे हमारे यहाँ, बाकी दूसरी जगह जाके हमें खाना पड़ता है अगर हमें ज्यादा ही मन करता है तो, वरना हमारे यहाँ हर फ्राइडे मिलता ही मिलता है। और यहाँ पे तो सबसे अच्छा मिलता है भाई, सबसे अच्छा सदर बाजार में मिलता है ना, सदर बाजार में नबी करीम में, दिल्ली का फेमस अगर आप खाने जाएंगे नबी करीम का भी फेमस यही है, निहारी कोरमा और हलवा पराठा। तो भाई मस्त अभी नहा धोवा के जुम्मा वगैरह पढ़ के फिर चलेंगे अपने खाने के लिए। जुम्मे के जुम्मा जब स्टार्ट होगा तब मिलते हैं आप सभी को, थोड़े वहाँ पे दिखाएंगे कितनी भीड़ होती है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है भाई। तो चलो, और साथ में पैकिंग वगैरह भी भैया की करवानी है, बहुत ठंडा हुआ पड़ा भाई सब कुछ। तो चलो सब कुछ खिंचवा खिंचवा के फिर आराम से चलेंगे अपने दरभंगा। दरभंगा से पैगम्बरपुर है ना, हाँ पैगम्बरपुर निकलेंगे वहाँ से हम लोग फिर। हाँ तो चलो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। गाइस ये पूरी लाइन देख रहे हो, ये पूरी अंदर तक है और बाकी ऊपर भी है उस तरफ में पूरी। देखो नमाज पढ़ने को इस गली में भी और वहाँ पे ऊपर भी। तो भाई नमाज वगैरह पढ़कर आ चुके हैं और बस अभी घर पर जा रहे हैं, घर जाकर खाना वगैरह खाएंगे और फिर थोड़ा बहुत सो जाएंगे यार, क्योंकि थकान वगैरह हो ही पड़ी है। आप क्या करोगे भैया खाना वगैरह खा के? खाना खा के सबसे पहले मार्केट जाऊंगा मैं, उसके बाद कैश निकालूंगा, कैश एक फूटी कौड़ी नहीं है जेब में वो लेके आऊंगा, उसके बाद मस्जिद में देना है कैश 12 रुपये बोल के लिए, उसके बाद जाएंगे हम लोग पैकिंग पूरी करेंगे, सारा सामान नीचे लेके आएंगे, उसके बाद हम लोग गाड़ी ओला बुक करेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा स्टेशन निकल जाएंगे 6 बजे। चलो फिर मैं भी घूम ही लूंगा भैया के साथ में, चला जाऊंगा। तो चलो अभी खाना वगैरह खाते हैं घर जाकर। तो गाइस ये देखो, ये नया लोकोमोटिव है WDG 4G, न्यू वेरिएंट आया ये वाला, बाकी ये पहले आ चुका था, एक साल पहले आ गया था। बाकी जिस ट्रेन में हम जाने वाले हैं उस ट्रेन में शायद लगा हुआ रहेगा WAP 7 लोकोमोटिव लगा हुआ रहेगा। तो चलो देखते हैं जाकर कौन सा लोकोमोटिव लगा हुआ रहता है, तो आपको लोकोमोटिव भी दिखाएंगे जाकर। तो गाइस खाना वगैरह हो लिया है, बस अच्छा खाना वगैरह खा के मस्त हो चुके हैं। तो पहले तो थोड़ा सर वगैरह दर्द कर रहा था, अब नहीं कर रहा। अभी आपका पेट दर्द कर रहा था, सही हुआ? मेरे पेट का दर्द अभी तक गया नहीं है ठीक से, है अभी भी है मेरे पेट में दर्द। तो चलो अभी मार्केट की तरफ जा रहे हैं, बाइक आपने देख ही ली कौन सी है। तो चलो हल्की हल्की बारिश हो रही है, बाकी पता नहीं तेज बारिश आएगी कि नहीं आएगी, बट लगता तो है तेज बारिश आ जाएगी, क्योंकि भाई मौसम तो आप देख ही सकते हो। और साथ में अपना नेशनल फ्लैग देखो, नेशनल फ्लैग देखो भाई। तो भाई जैसे कि मैंने आपको सुबह बता दिया था, हम निकलने वाले हैं दरभंगा के लिए न्यू दिल्ली से, तो हमने सामान वगैरह सब कुछ पैक कर लिया भाई। सामान देखो कितना सारा, मैं दिखाता हूँ अभी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उधर भी अंदर भी है, एक एरा भाई पूरे ही है। और चलो देखते हैं कैसे लेके जाते हैं भाई। ये रे परवेज भैया अब दिखे हैं सुबह से, दूल्हे भाई जिनके साथ ही है। चलो तो इसको लगेज को रखेंगे तो दिखाएंगे आपको कैसे रखते हैं। कहाँ रखेंगे भैया? गाड़ी में जाएंगे हम अभी। चलो गाड़ी आती है, गाड़ी आएगी तो उसके बाद में दिखाएंगे आपको कैसे रखते हैं, कहाँ रखेंगे और हम लोग कहाँ बैठ के जाएंगे। चलो आती है गाड़ी तो आपको दिखाते हैं। तो भाई दिक्कत अब ये हो गई है कि सामान वगैरह सब कुछ रेडी हो गया है, पर ओला उबर सब जगह पे, सब वेबसाइट पे भाई छान मारा पर कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं मिल रही है। अब क्या करें, अब हम पैदल जा रहे हैं भाई ऑटो वगैरह लेने के लिए। भैया लोग देखो साथ में ही है, बिहार चले जाएगा। तो भाई ऑटो लेने के लिए जा रहे हैं, ओला उबर पे तो मिली नहीं, अब सिर्फ 2 घंटे रह गए और दिल्ली का ट्रैफिक आपको पता ही है। तो देखते हैं भाई, लेट्स सी क्या होता है। अकॉर्डिंग बता दें 9 बजे की ट्रेन है। भाई तो आप तो दिल्ली निकलने दिया।
होता है? 350 मांग रहे हैं। 350 तो भाई 300 रुपए लास्ट बता रहे एक ऑटो के। तो भैया से फोन करके पूछते हैं क्या बोलते हैं भैया। यार दिक्कत पे दिक्कत खड़ी हो रही है, अगर ट्रैफिक लग गया ना तो उसमें ही फंस जाने हैं। फाइनल हो चुका है। कितने रुपए में हुए? 280 रुपए में हुए, बट कह रहे हैं कि 3 सवारी लेंगे, 3 सवारी के इससे ज्यादा नहीं लेंगे, और लगेज वगैरह तुम्हारा कितना चला है? तो भाई जैसे ऑटो के अंदर देखो पीछे वगैरह बैग रख दिए, इधर बैठ गए। चलो भाई ऑटो वगैरह हो चुके हैं, और ये रहा एक ऑटो। कैसे हो भाई? और एक उधर ऑटो है। Brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep waves by my side, CJ Ack, now I gotta roll with ice. Cold, these brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep waves by my side, CJ Ack, now I gotta roll with ice. Ride or die, 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 ride or die. Cold, these brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. Now I gotta ride or die. भी कोच लगे हुए हैं। बाकी इसके अंदर लोकोमोटिव की बात करूं तो लोकोमोटिव मैं अभी देख के आ रहा हूं कौन सा लगा हुआ है। बाकी चलो अभी चलते हैं लोकोमोटिव देखने के लिए। इस ट्रेन में जो लोकोमोटिव लगा हुआ है वो WAP-7 लगा हुआ है। तो चलो देखते हैं आगे जाके क्या होता है, मेरा गैस राइट जाता है या गलत जाता है। चलो देखो मेरा मोटिव सही था। ये देखो WAP-7 लगा हुआ है और इसके अंदर कानपुर लोको सेट का इंजन है ये। तो गाइज दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं, सब सामान वगैरह कोच के अंदर रख दिया है। बाकी हम लोग बाहर आ गए हैं, अंदर बहुत भीड़ वगैरह हुई पड़ी थी इसलिए। तो गाइज इस ब्लॉग के अंदर बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी चैनल पे नए हो तो कर देना सब्सक्राइब। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। Brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep waves by my side, CJ Ack, now I gotta roll with ice. Cody's brothers, my guys, know that.